मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय नवरात्रि महोत्सव जारी है, पिछले 6 दिनों 7 दिनों से नवरात्रि महोत्सव जारी है और आज 8वां दिन अष्टमी का दिन था और लगातार भक्ति भाव में लोग झूम रहे हैं। इस समय हम मौजूद है नाला सुपारा के आचला रोड पर स्थित आनंद पार्क सोसाइटी में, जहाँ हमारे साथ यहाँ के नवयुवक मंडल के सदस्य मौजूद है। इनसे हम मुलाकात करेंगे, इनसे आपकी बात कराएंगे, लेकिन उसके पहले ये सोसाइटी में हर साल जो नवरात्रि स्थापना होती है उसमें क्या कुछ अलग इनोवेटिव होता है नहीं, उसकी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो हमने यहाँ आकर जब जानकारी ली, हमें मालूम पड़ा 1989 से, यानी कि पिछले 35 सालों से ये यहाँ पर नवरात्रि स्थापना होती है और हर साल कार्यक्रम होता है। हर साल ये लोग कुछ अलग इनोवेटिव करते हैं, जैसा मैंने अभी आगे भी मेंशन किया। तो इस साल इन्होंने एक मॉडल बनाया, आप वीडियो में इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ ये अयोध्या में इस साल जनवरी में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर यह मॉडल बनाया गया है और इस मॉडल में दिए लगाए गए हैं। साथ ही साथ इसके चारों ओर ये दिए लगाए गए, ये दिए संख्या में 121 है। अब ये दिमाग में ये सवाल आएगा कि 121 क्यों? तो ये 121 पूरे परिसर में जितनी सोसाइटी में फ्लैट है उन सभी घरों के एक एक दिए के आधार पर ये 121 दिए लगाए गए हैं, यानी कि हर एक घर की तरफ से, हर एक फ्लैट की तरफ से एक दिया है। 35 साल से लगातार इसमें चल रहा है। अभी इस साल तो हमने आपको मॉडल दिखाया, पिछले सालों में क्या कुछ किस तरह से उन्होंने बनाया था इन्हीं से जानकारी लेते हैं, बताते हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं। यहाँ मंडल के सदस्य इनसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू भाभी है और मैं यहाँ पर लास्ट 35 ईयर से यहीं रह रहा हूँ। और नवरात्रि हम लोग ने सबने मिलकर स्टार्ट की थी, तभी हम लोग काफी छोटे थे, हमें पता नहीं था कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये माँ की हमारी कृपा है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और ये आनंद पार्क के सभी सदस्य, सभी अहिवासियों का साथ है जो हम लोग इतने उत्साह से, प्यार से हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। और आगे भी हमारी यही भावना है कि हम लोग एक साथ मिलके इसे और लंबे तक हम लोग लेके जाने की हमारी भावना है। अभी देखते आगे कैसा होता है और ये यंगस्टर्स कैसे इसको आगे लेके जाते हैं। आप हर साल, मैंने जैसा सुना अभी बात कर रहे थे, हर साल कुछ इनोवेटिव करते हो, तो इस साल का तो हमने बताया जी सर, अयोध्या का मॉडल, क्योंकि इसी साल अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। पिछले सालों में क्या आपकी सोच थी, क्या कुछ बनाया गया था, एक दो साल का कुछ याद है क्या था? सर अभी हम लोग लास्ट ईयर हम लोग ने केदारनाथ बनाया हुआ था और ये जो भी मॉडल बन रहे है, हम लोग एक छत के नीचे बैठ के हम लोग सब लोग सोचते कि हम लोग और बेस्ट क्या कर सकते है। अभी ये ईयर तो हमारा अभी हो जाएगा और हम लोग अभी से नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट ईयर और क्या बेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शरण डाबी और उनकी टीम काफी अच्छे एग्रेसिवली ये सब बनाने में आगे है और वो लोग भी हमको काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं सब चीज बनाने के लिए। दीपक सेठ, कैसा लगता है हर साल इस तरह का आयोजन होता है, कैसा आपको महसूस? आयोजन तो मैं तो 35 साल से देखते आया हूँ। जब भी आनंद पार्क में 8-9 रिंग नंबर नहीं था, खाली 7 नंबर रिंग तक ही बिल्डिंग बना था, तभी हमने एक शुरुआत किया था। हम लोग कुछ 8 मेंबर थे, 8 मेंबर ने हमने इधर नवरात्रि का स्टार्ट किया 1889 में। तभी ये कोई मंडप नहीं था, कुछ नहीं था, खाली चेयर के ऊपर माता जी की छवि रख के हम लोग गरबा स्टार्ट किया। धीरे 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 हर साल कुछ न कुछ प्रोग्रेस हम लोग करते गए। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा वाले को लाते थे, गरबा गाते थे, सब कुछ करते थे। इन बिटवीन बीच में 2 साल हम लोगों ने स्टॉप किया, तो ये हमारा यंग ग्रुप जो नरेश भाई है, ये नीतू है, टीनू है, परमेश है, ये लोग सब आया कि हमको नवरात्रि करने में इंटरेस्ट है, बोलो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ, कहां भी आप अटके तो हम बैठे हैं। तो इन लोगों ने ऐसा करके दिखाया है अनबिलीव कि आज हम उसके बारे में क्या बोलने का हमको भी समझ में नहीं आता कि नहीं, वो बच्चे लोगों ने बहुत मेहनत की। दूसरा एडवांटेज क्या है, इन लोगों ने 25 साल से हैंड ओवर किया है, ये नवरात्रि कर रहे हैं, लेकिन अनबिलीव कर रहे हैं। और हमारा मेन जो हेतु है नवरात्रि का, एक भक्ति भाव का हेतु, और पाठक तो दिए की जो बात किया तो वो सुझाव भी हम लोगों ने सब साथ में बैठ के किया था कि भाई कोई मेंबर को, कोई फ्लैट वाले को आरती प्रसंग मिले या नहीं मिले, तो उसके नाम से एक एक प्लेट वाइज एक एक दिया जला के एक महाआरती का आयोजन कर,
इसीलिए हमने ये महाआरती का नाम दे के 131 फ्लेट का एक जेप लगा के हर एक बिल्डिंग के एक एक फ्लेट 12 दुकान 13 दुकान सबका एक एक किया जला के तो मेंबर सोसाइटी का के फ्लेट का मेंबर है कि नहीं है लेकिन उसके नाम का दिया जलाते है और उसका नाम हमने महाआरती दिया। और दूसरा दशहरा के दिन जो कुंवारी को छोटी बच्ची लोगों को खिलाते आप यकीन नहीं करेंगे कि भाई कितने बच्चे होंगे कितनी लड़कियां आएगी कितना खाना बनाने का कितने लोग प्रसाद लेंगे वो कोई आप यकीन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ हर नवरात्रि में दशहरा के दिन कम से कम 50 से 60 बच्चे लोग इधर मंडप के नीचे बैठ के और लेडीज मेंबर जो महिला मंडल है वो लोग सब मेहनत करके खाना बना के उन लोग को प्रसाद माता जी को चढ़ा के उनको प्रसाद खिलाते और टोटल 150 मेंबर इधर बैठ के प्रसाद लेते। 33 साल का सफर यानी सर बहुत लंबा सफर होता है सर वहाँ पे और हम सिर्फ माता जी की सेवा के लिए यहाँ पे आते हैं और का अच्छा खासा सपोर्ट हम जनेश्वर लोग का भी मिल चुका है। 33 साल से सिर्फ जनरेशन चेंज हुई लेकिन उत्साह काफी वही बढ़ता रहा है हमेशा वो लोग एक आस्था के हिसाब से लोग आते हैं सेवा के हिसाब से लोग आते हैं इससे ये चल रहा है और ये जितने भी रहे हैं तो उनका जो सपोर्ट मिला है इसकी वजह से ये 35 साल का सफर हमारा चालू है आगे भी ये बढ़ते ही रहेगा। काफी अच्छी न्यू जनरेशन है और वो काफी सपोर्टेबल है हम ऐसे ही चाहते हैं कि बस ये बंद ना हो और ऐसे ही माता जी की भक्ति होती रहे। सर आपका नाम क्या है? मेरा अरविंद आदमी है। क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम के बारे में? एक ही बात बोलूंगा कि माँ के आशीर्वाद के बगैर कोई भी काम अधूरा है और जो सोसाइटी में जो हमारे सदस्य है जो हमारे मेंबर्स हैं उनका साथ सहकार के बगैर कोई भी प्रोग्राम हम कर नहीं सकेंगे। तो मैं एक ही दुआ करता हूँ माता जी के आगे कि बस पूरे आनंद पर परिवार को इकट्ठे रखना और ऐसे ही भक्तिभाव से हम ये सब प्रोग्राम जो आयोजित करते हैं नवरात्रि के दरमियान और उसके अलावा भी तो एक परिवार की तरह हम रहे यही इच्छा में मनोकामना व्यक्त करता हूँ बस। रेशमल होना रही क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को पूरा? ये हमारा कार्यक्रम पिछले 24 साल से होता है सर आनंद पार्क में और 24 साल से हम लोग हर साल महाआरती जो करते हैं तो हर साल हमारा अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है तो इसी तरह हम लोग का अलग अलग कॉन्सेप्ट से महाआरती हर एक फ्लैट से हर एक दिया जलाते हैं 110 फ्लैट प्लस 12 दुकान यानी 122 दिन हम लोग हर साल जलाते हैं स्पेशली आठम के दिन। हाँ हर साल आठम के दिन ही हमारे सोसाइटी में होता है। तो मैं यहाँ आनंद पार्क सोसाइटी के नवयुवक मंडल से बातचीत की उन्होंने बताया कि इस तरह से हर साल आठम के दिन विशेष तौर पर आरती होती है और इस तरह के मॉडल बनाए जाते हैं काफी बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं काफी लोग यहाँ सभी गदगद है और कहीं न कहीं भक्ति का जो भाव है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही एक सोसाइटी यानी कि पूरा परिवार हो गया आजकल परिवार के नाम पर हम 3-4 जन के घर को परिवार समझते हैं लेकिन जिस परिसर में हम रह रहे हैं वो भी हमारा परिवार है तो ये परिवार कितना फला फुला है हम देख सकते हैं और कहीं ना कहीं यही चीज एडवांटेज है आज की इस लाइफ में और खासकर मुंबई जैसे मुंबई रीजन के इस माहौल में जहाँ लोग एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं यहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं काफी अच्छी बात है। भक्ति के नाम पर भक्ति के साथ इस तरह से जुड़ाव वो बहुत अच्छा है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही वैसे ही विरार से यीशु बने। Oh, yeah.
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।